तो आई गेस इस वाले स्पॉइलर के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ड्रू मैकइंटायर ड्रीम्ड अ ब्रोकन ड्रीम। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्लैश एट द कैसल को होने में सिर्फ दो दिन का समय बाकी रह गया, कल फ्राइडे परसों सैटरडे होने वाला भाई क्लैश एट द कैसल। अब रोमन वर्सेज मैकइंटायर का मैच फॉर श्योर एक सबसे बड़ा मैच होने वाला है, लेकिन पूरी नाइट को लेकर भी और रोमन वर्सेज ड्रू के मैच की स्टार्टिंग को लेकर, एंडिंग तो बहुत बार डिस्कस कर ली लेकिन स्टार्टिंग को लेकर भी कुछ स्पॉइलर आया सामने, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लैश एट द कैसल 2022 का जो स्टेज की नई कंस्ट्रक्शन की फोटो प्लस जो वीडियो क्लिप है वो आ चुकी है सामने। टाइसन फ्यूरी के क्या प्लान्स होने वाले अगर वो अपीयर होते क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर। बेली को लगे सर काफी जल्दी न्यू थीम सॉन्ग मिलता हुआ नजर आएगा। और फाइनली सैमी जेन ने भी इस बात को क्लेरिफाई किया क्या वो रीजन है, उन्होंने केविन ओवंस के ऊपर अटैक नहीं किया मंडे नाइट रॉ में और उल्टा केविन ओवंस रियूनियन पर रियूनियन टीज कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को हमारी कोई अपडेट के साथ में, इस बार ये मेला मनी यानी कि कार मेला के बारे में जुड़ी है और कार मेला को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है सामने कि भाई कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कार मेला एक बार फिर से वुमेन्स डिवीजन के अंदर रिटर्न करती हुई नजर आएंगी। तो रिसेंट टाइम में जो अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग कार्मेला आने वाले एक महीने के अंदर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में वापस आने वाली, ये जो अपडेट है वो पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से आती है सामने। हमने देखा रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट्स के अंदर जब कार्मेला ने कंप्लीट किया था वहां पर उन्हें कुछ इंजरी का सफर करना पड़ा था, ये वो रीजन है। वो डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर थी लेकिन लगे ऐसा था जो ट्रिपल एच है उनके रिटर्न काफी जल्दी करवाते हुए नजर आएंगे जब कार्मेला पूरे तरीके से फिट एंड फाइन होंगी। लेकिन अब जो मैक्सिमम टाइम बताया जा रहा है वो एक मंथ बताया जा रहा है और इसी आने वाले एक महीने के अंदर आपको कार्मेला डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फिर से दिखाई देने वाली है। आज की जो मेन नेक्स्ट अपडेट है वो क्लैश ऑफ द कैसल 2022 के जो स्टेज कंस्ट्रक्शन की वीडियो क्लिप प्लस फोटो है उसके बारे में जुड़ी। तो रिसेंट टाइम में फाइनली एक वीडियो क्लिप आ चुके हैं सामने, काफी लोग कह रहे थे भाई वीडियो क्लिप कायम वो दिखा क्लैश ऑफ द कैसल के स्टेज की, तो हाँ भाई वीडियो क्लिप आप लोग देख ही पा रहे होंगे। अब जो स्टेज है देखा जाए ऊपर फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरा यू नो उठा के रखा हुआ है और डब्ल्यूडब्ल्यू से पूरे तरीके से बनाने में लगी। वैसे देखा जाए वेन्यू काफी बड़ा है, एक स्टेडियम शो होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का और ऊपर से 63,000 फैंस होने वाले, तो मजा काफी आने वाला है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कुछ कमाल और बवाल का स्टेज बना रही है तो मेरे हिसाब से मजा डबल ट्रिपल होता हुआ नजर आने वाला है। अब ये तो बात रही वीडियो क्लिप के बारे में, साथ ही में एक फोटो भी आई है सामने, वो फोटो भी आप लोग देख पा रहे होंगे। पहली वाली वीडियो क्लिप के अंदर हमने देखा सिर्फ एक जो पूरे तरीके से स्टेज का पार्ट है वो हवा में था, लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे एक अलग से एक और सर्कल एक्चुअल में जो कि कैसल की वॉल की तरह लग रहा है, उसके ऊपर कैसल लिखा हुआ है। तो भाई मेरे हिसाब से जो एंट्रेंस है कुछ उस तरीके से ही होने वाली है कि जो कैसल की वॉल्स वगैरह में देखने को मिलेंगी। अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पे भी एलईडी टाइट्रॉन्स वगैरह इन सबका यूज कर रही है। काफी लोग कहते हैं पुराना वाला जो आर्मगेडन का पूरा वेन्यू था या फिर अरीना था वैसे कुछ स्टेज होने वाला है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पर अपनी अलग क्रिएटिविटी दिखा रही है जो कि देख मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं काफी एक्साइटेड हूं क्लैश ऑफ द कैसल के स्टेज के लिए और इस स्टेज को देखने के बाद ही मुझे पता रेसलमेनिया वाली फीलिंग आ रही है। आपको कैसे लगी स्टेज की अपडेटेड फोटो शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन। अब आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार डिंग डोंग हेलो बेली के बारे में जुड़ी है। अब बेली हमारी डैमेज कंट्रोल की लीडर है क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर, इनका भी मैच होने वाला है जब डैमेज कंट्रोल आमना सामना करेगी बियांका बेलेयर आस्का और एलेक्सा ब्लिस का। लेकिन लग गया सर रिसेंट टाइम जो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले वो बेली को उनका नया थीम सॉन्ग डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। अब जिस इंसान यानी कि डेफ रेबल जिन्होंने सेथ रॉलिंस का रोमन रेंस का ऐसे कुछ कमाल के थीम सॉन्ग डब्ल्यूडब्ल्यू को दिए, रिसेंट टाइम उनकी फोटो आती है सामने जहां पर अपने लैपटॉप वगैरह के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो फोटो आप लोग देख पा रहे हो एक बंदे की इंस्टाग्राम स्टोरी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो भाई इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अगर आप ढंग से थोड़ा जूम वगैरह करके देखोगे उनकी लैपटॉप के ऊपर जो स्क्रीन ओपन है वो डिलीवरेंस की है जो कि बेली का थीम सॉन्ग है। हाँ एक बार जाके चेक करना गूगल के ऊपर, वैसे मैं गूगल का भी स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ कि डिलीवरेंस जो हमारी बेली का थीम सॉन्ग है जो कि करंट वाला है जो कि हमें यूज करती हुई नजर आ रही है और हमारे डेफ रेबल जिन्होंने भी फिलहाल रोमन से जैसे कमाल के हमें थीम सॉन्ग दिए डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में, तो भाई वो भी फिलहाल काम कर रहे हैं डिलीवरेंस थीम सॉन्ग के ऊपर। आपको शायद में लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा यू नो सिस्टम का दिख रहा होगा वॉल्यूम अप एंड डाउन वगैरह सभी चीज़ों का, तो लग ऐसा है कि वो डिलीवरेंस म्यूजिक को हल्का सा रीमिक्स वगैरह या अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा बेली का एकदम नया वाला करेक्टर रहा है तो एक बार फिर से क्यों ना उन्हें थोड़ा अपडेट या फिर रीपैकेज टाइप कर दिया जाए। तो कुछ इस तरीके से बेली का शायद हमें नया थीम सॉन्ग काफी जल्दी मिलता हुआ नजर आएगा, नया तो नहीं मेरे हिसाब से एटलीस्ट शायद थोड़ा रीमिक्स टाइप सा ताकि डैमेज कंट्रोल पूरे के ऊपर वो सूट होता हुआ नजर आए। फैक्शन का मेरे हिसाब से जो थीम सॉन्ग है बेसिकली वो बेली का नया थीम सॉन्ग होने वाला है। आज की जो मेन नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार टाइसन फ्यूरी के बारे में जुड़ी है। ऑलरेडी बात रिवील हो चुकी थी भाई क्लैश ऑफ द कैसल के लिए हमारे टाइसन फ्यूरी को भी शेड्यूल कर दिया गया और टाइसन फ्यूरी वहां पर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये था कि उनके प्लान्स क्या होने वाले हैं एक्चुअल में, वाकई करेंगे क्या क्लैश ऑफ द कैसल में, क्या वो रोमन ड्रू के मैच में इंटरफेयर वगैरह करने वाले हैं या फिर उनके कोई और प्लान्स होंगे। वेल इसको लेकर रिसेंट टाइम में गिव मी स्पोर्ट्स की तरफ से एक बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक्चुअल में उन्हें किस तरीके से बुक करेगी। तो बताया जा रहा है उनकी सिर्फ अपीयरेंस होने वाले क्लैश ऑफ द कैसल में, कोई भी फिजिकल आपको इंटरेक्शन या फिर इन्वॉल्वमेंट उनकी तरफ से नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि भाई अगर आप सोच रहे हैं कि मान लो टाइसन फ्यूरी आ रहे हैं वो ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक कर रहे हैं या फिर किसी और के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनकी कॉन्फ्रंटेशन हो रही किसी के साथ में, तो बताया जा रहा है शायद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वैसे गिव मी स्पोर्ट्स ज्यादा कुछ तगड़ा सोर्स तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक सा सोर्स है और इसलिए बताया जा रहा है जो टाइसन फ्यूरी है उनकी कोई
फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाले, वो जस्ट आएंगे अटेंड करेंगे शो को या फिर अमंग एज अ फैन या फिर कोई अनाउंसमेंट वगैरह करते हुए नजर आएंगे कि हाँ भाई आज की अटेंडेंस इतनी है फलाना फलाना करके। तो ऐसे जस्ट यू नो गेस्ट अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे टाइसन फ्यूरी क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर। उनका एज सच कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट करेंटली तो शेड्यूल नहीं की जा रही है। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे ऑन एयर न्यूज यानी कि सैमी ज़ेन के बारे में। अब भाई हमने देखा रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन में सैमी ज़ेन ने एक तरह का ब्लड लाइन को धोखा देने का ट्राई किया। होता क्या, जो सैमी ज़ेन केविन ओवेंस है इनके बीच में दोनों के बीच में सेगमेंट होता है, सेगमेंट तो चलो ठीक था, लेकिन उसके बाद केविन ओवेंस और जे उसो का मैच होता है। मैच में जिमी उसो कहते हैं भैया मैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने वाला हूं, सैमी ज़ेन तुम चेयर से हिट कर देना। अब सैमी ज़ेन हिट करते नहीं यहां पर केविन ओवेंस को, तो एक बड़ा सवाल यह था कि WWE केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का जो रियूनियन टीज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फाइनली जो सैमी ज़ेन है जिनके ऊपर कुछ आरोप लग रहे थे वो क्लेरिफिकेशन देते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू। उसका स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, वो कहते हैं टू क्लेरिफाई, हट यार मेरी अंग्रेजी ना, टू क्लेरिफाई आई डिडंट हिट केविन ओवेंस बिकॉज आई फेल्ट दैट द रेफ कुड सी मी इन द पेरिफेरी एंड आई डिडंट वांट टू कॉज जे उसो टू लूज बाय डीक्यू। आई हैव एक्सप्लेन दिस टू द ब्लडलाइन एंड द इशू हैज बीन रिजॉल्व, फ्राइडे चैंपियनशिप सेलिब्रेशन विल बी प्रोसीड एज प्लान्ड, थैंक यू। यानी कि भाई मैंने क्लेरिफाई कर दी ये बात, देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, जो केविन ओवेंस है मैंने इसलिए नहीं उसे मारा, मैं ये नहीं चाहता था कि रेफरी मुझे देख ले और जे उसो डिस्क्वालिफिकेशन से हारता हुआ नजर आए। अभी सारी चीजें मैंने मिलकर ब्लड लाइन को सुलटा दी या फिर उन्हें समझा दी है और ऐसे कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं। जिस तरीके से आने वाले स्मैकडाउन के शो में चैंपियनशिप सेलिब्रेशन होने वाली थी ठीक वैसे ही होने वाली है, यहाँ पर कोई दिक्कत विक्कत वाली बात नहीं होगी। तो भाई ऐसे को सैमी ज़ेन ने यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दी, लेकिन हमारे जो केविन ओवेंस है वो भी इसको लेकर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक बार नहीं बल्कि 10-15 बार रिएक्शन दे चुके हैं, उसको स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे। पहले वो लिखते रिप्लाई में यू लव मी, इसके बाद वो इतनी सारी GIF पोस्ट कर रहे ना उनकी और सैमी ज़ेन की एक साथ, लगातार रियूनियन टीज करने में लगे हैं कि नहीं भाई केविन ओवेंस को उसने इसलिए नहीं मारा, यानी कि केविन को इसलिए अटैक नहीं हुआ क्योंकि भाई जो सैमी ज़ेन है उनसे प्यार वगैरह करते, दोनों के बीच में भाईचारा है, दोनों के एक दूसरे की किस विस की जो फोटो नहीं सॉरी एक JF वो भी पोस्ट करते हुए नजर आ रहे। तो ऐसा कुछ जो प्यार बरसा रहे हमारे केविन ओवेंस रिसेंटली सैमी ज़ेन के ऊपर, और क्या डाला भैया ऑनरी उस उनकी साइड में और उन्हें पसंद करते हैं फिर उनसे प्यार करते, ये वो रीजन है उसने अटैक नहीं किया। देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन हाँ ओवरऑल मुझे ये लग रहा है आने वाले टाइम में केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस उसोस की जो राइवलरी है काफी जल्दी दिखाई देगी कंपनी में। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार क्लैश ऑफ द कैसल 2022 के मेन इवेंट की एंडिंग नहीं बल्कि स्टार्टिंग के बारे में जुड़ी है। प्लस इस शो पर एक और जो एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर है एंट्रेंस को लेकर वो आ चुका है सामने। रिसेंट हमें जो अपडेट है वो ज़ायरो न्यूज़ की तरफ से आती है सामने, और ज़ायरो न्यूज़ ये बात रिवील करते हैं कि भाई WWE भी फिलहाल क्लैश ऑफ द कैसल यानी कि सैटरडे के लिए कुछ काफी यू नो लोगों की जो कस्टम एंट्रेंस है वो प्लान करती हुई नजर आ रही है। कस्टम एंट्रेंस इन द सेंस उनकी भाई या फिर एंट्रेंस में बैंड बाजा बारात बजता हुआ नजर आएगा, एक तरह के उनकी जो एंट्रेंस है WWE में स्पेशल फील करवाती हुई नजर आएगी। अच्छा रोमन और ड्रू मैकइंटायर के मैच को लेकर भी एक बड़ा स्पॉइलर आया सामने, उसका तो स्क्रीन शॉट ही देख लो, लेकिन ड्रूज एंट्रेंस विल बी द बिगेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ द इवेंट एट द मोमेंट रोमन इज ड्यू टू फर्स्ट सो ड्रू गेट द लॉन्गेस्ट एंट्रेंस। यानी कि जो WWE वाले उनके करंटली प्लान ये हैं कि जो ड्रू मैकइंटायर की एंट्री होने वाली है वो सबसे बड़ी एंट्री होगी पूरे शो के ऊपर। यानी कि वैसे हम देखते हैं भैया रोमन ही जाते स्लो मोशन में ड्रू मैकइंटायर भागते दौड़ते आ जाते हैं, वैसा नहीं होने वाला क्लैश ऑफ द कैसल में। क्लैश ऑफ द कैसल में ड्रू की एंट्री सबसे ज्यादा बड़ी होने वाली है, सबसे ज्यादा ग्रैंडेस्ट स्टेज कह सकते हो एंट्री होने वाली है हमारे ड्रू मैकइंटायर की। ये वो रीजन है मैं कह रहा था भाई हमारा जो ब्रोकन ड्रीम्स थीम सॉन्ग है वो भी फॉर श्योर वापस आता हुआ नजर आएगा। अच्छा यहाँ पर एक बड़ा चेंज ये भी होने वाला है कि जो रोमन रेंज है वो पहले एंट्री लेते हुए नजर आएंगे, जो कि काफी बड़ी चीज है, वरना भाई मैं देखता हूँ जो चैंपियन आएगा इस बाद में एंट्री लेता हुआ नजर आता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन WWE यहाँ पर जानबूझ के रोमन रेंज को पहले एंट्री करवाएगी ताकि ड्रू मैकइंटायर की जो एंट्री है वो लंबी चौड़ी हो सके, वरना भाई तुम लोग तो ड्रू मैकइंटायर की एंट्री को देख के बोर हो जाओगे। रोमन की रिएक्शन वैसे कमाल के रहेंगे जब भी ड्रू एंट्री करने वाले एकदम ग्रैंड वाली, क्योंकि रोमन के रिएक्शन भाई एकदम माशाल्लाह होते, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर ड्रू की एंट्री सबसे बड़ी होने वाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रू मैकइंटायर ने जो ब्रोकन ड्रीम किया था वो फाइनली उनका कंप्लीट होता हुआ नजर आने वाला है। लेट्स सी बाकी क्या होता है क्लैश ऑफ द कैसल के अंदर। लेकिन हाँ ये कुछ अपडेट आई है सामने रोमन वर्सेस मैकइंटायर के मैच को लेकर, आपका क्या रिएक्शन है, क्या सही में अब आपको ये फील आ रही है कि ड्रू मैकइंटायर इज गोना डिथ्रोन रोमन रेंस फॉर दैट अनडिस्प्यूटेड टाइटल। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर दो नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय टेक केयर।